समाचार देख रहे हैं आप। आज हम पहुंचे हैं पटना के मेयूनुल हक स्टेडियम में, जहां बिहार वर्सेज कर्नाटक का रणजी ट्रॉफी का मैच 24-25 चल रहा, जिसमें बहुत सारे दर्शक हमारे बीच उपस्थित हैं। इन लोगों को फिजिकल रूप से इंटरनेशनल खिलाड़ियों को देखने का मौका मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे भैया आप इसके विषय में? इंटरनेशनल खिलाड़ियों को देखने का मौका मिल रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा, बहुत इंटरनेशनल देखेंगे तो अच्छा लग जाएगा। कल मयंक अग्रवाल ने अच्छी पारी खेली है, मनीष पांडे ने अच्छी पारी खेली है। अभी दर्शक बता रहे थे, हालांकि स्कोर बोर्ड तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन बता रहे थे कि बिहार के एक खिलाड़ी अभी शतक लगाए। शकीबुल गनी, क्या नाम बताए हैं? शकीबुल गनी। और एक है जो लगभग 40-45 पर खेल रहे हैं। अच्छा, बिहार के किस दृष्टिकोण से देखते हैं, क्या बिहार के लड़के इंटरनेशनल में एंट्री ले पाएंगे? बिल्कुल, कैसा प्रदर्शन रहा है बिहार? बहुत अच्छा है, अभी तक बहुत बहुत अच्छा चल रहा है। मैच किस स्थिति में है? मैच स्थिति अभी बराबर की स्थिति में मैच है। आज जैसा कि चौथा दिन चल रहा है, कितना विकेट गिरा है अभी तक? 4 विकेट। लीड कितने रन का लीड है? 44 रन का लीड दिया है। यदि 150 रन के आसपास लीड देकर कर्नाटक को कल बल्लेबाजी देता है तो क्या लगता है? नहीं है भैया, आज फाइनल है, अरे कल होगा, जैसा कि दर्शक बता रहे हैं यहां पर कि आज मैच का आखिरी दिन है। बिहार 5 विकेट पर लगभग 50 रन के आसपास लीड बना चुका है। स्कोर बोर्ड यहां नहीं होने की वजह से थोड़ा बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। दर्शकों में काफी उत्साह है। क्या कहना चाहेंगे एक छोटे कद के हैं, क्या कहना चाहेंगे मैच देखने का? कैसा महसूस करते जब अभी क्रीज पर अगर मान लीजिए विराट कोहली रोहित शर्मा उपलब्ध हो तो मैं भूल जाते कभी फिजिकल रूप से देखने का मौका मिला है इंटरनेशनल खिलाड़ी को दूसरे जगह? आज यहाँ देख रहे हैं, काफी खुशी महसूस हो रही है। एक और हमारे भाई हैं, ये कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा लगा यहाँ बिहार में मैच देखे, बहुत सारे वो सब को आँख के सामने देखने से बहुत अच्छा लगा। आप लोग टीवी पर मैच देखते थे, फिजिकल रूप से देख रहे हैं, दोनों में क्या आपको अच्छा लग रहा है? टीवी पर बेहतर है या फिजिकल रूप से देख पा रहे हैं? यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा आ रहा है, यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है, टीम का माहौल अलग लगता है, माहौल अच्छा है, यहाँ पे देखने में अलग ही है। इधर आ जाइए थोड़ा सा। टीवी पर किसी एक लोकेशन को दिखाया जाता है, यहाँ पर तरह तरह के लोकेशन, सारे लोकेशन से आप देख पा रहे हैं। माहौल भी अलग है, यहाँ पे इतने सारे लोग एक साथ बैठ कर देख रहे हैं, उसका भी एक अलग मजा है जो दर्शक लोग साथ देख रहे हैं। बिहार का प्रदर्शन भी अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है और हर साल इम्प्रूवमेंट होते जा रहा है। पिछले साल देखे थे कि मुंबई से एक तरफा हार गया, लेकिन इस साल देख रहे हैं जो टक्कर दे रहा है, जीतेगी जाके जाके। बिहार में जो क्रिकेट के में दिलचस्पी रखना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे उसको हमारे अपने चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों को ये कहना चाहेंगे कि अगर आप में हुनर है क्रिकेट का तो अब आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, मेहनत कीजिए, जरूर आपको भी अच्छा मिलेगा, इंडिया के लिए भी खेलेंगे, बिहार में भी खेल सकेंगे। एक और नए भाई जुड़े हैं हमारे साथ, इनका क्या ओपिनियन है इस मैच के बारे में कहना चाहेंगे? ओपिनियन ये है कि फर्स्ट इनिंग में थोड़ा बिहार का राइडर है, फर्स्ट इनिंग में बिहार का थोड़ा परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं हो पाया था, लेकिन सेकंड इनिंग में फर्स्ट इनिंग के कंपेयर किया जाए तो बेटर लग रहा है। सबसे पहले आप अपना पूरा परिचय दीजिए। और फर्स्ट डे हम आज बिहार का थोड़ा परफॉर्मेंस नहीं हो पाया, 143 का दुख हुआ था, दुख बहुत हुआ कैसे बताया। और लग रहा है कि कल बंगाल कर्नाटक एक अच्छा लीड ली थी, अच्छा लीड।
144 रन का लीड से आगे निकल गए तो अच्छा लग रहा है आपका, क्योंकि पहला भी 143 पर लीड से आगे निकल गया तो फर्स्ट डे के कंपेयर में तो आज अच्छा खेल रही है। कितना खुशी हो रहा है आपके शहर में इस तरह का आयोजन यहाँ BCCI के द्वारा? बहुत ज्यादा खुशी हो रहा है और ऐसा पहली बार ऐसा मेरे साथ हो रहा है कि लाइव ऐसे मैच हम लोग देख रहे हैं। इंटरनेशनल खिलाड़ियों के जैसे मयंक अग्रवाल आए हुए हैं, मनीष पांडे हैं, श्रेयस गोपाल ये सब आए हैं, लाइव देख रहे हैं, बहुत अच्छा मैच। श्रेयस गोपाल कुछ देर पहले अभी बॉलिंग कर रहे थे, वो तो फर्स्ट डे आते ना तो श्रेयस गोपाल 4 विकेट लिए थे, तो यहाँ पे देखे थे सामने। आप हमारे चैनल के माध्यम से बिहार के क्रिकेट प्रेमियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से बिहार के क्रिकेट प्रेमियों को यही संदेश देना चाहते हैं, अगर आपने टैलेंट है, हुनर है, कोई नए खिलाड़ी है हमारे आपके जैसा क्रिकेट में करियर बनाना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, क्या बिहार में है भविष्य? बिहार में जरूर भविष्य है, BCCI द्वारा एफिलिएटेड वहीं आइए मिल गया है, तो बिहार का भविष्य तो अच्छा लग रहा है। क्या बता रहे थे आप, BCCI एफिलिएटेड मिल गया है, विस्तार से बताएंगे। पूरा बिहार क्रिकेट को BCCI ये ले लिया है ना, मान्यता प्राप्त हो गया। लग रहा है कि घर का टैलेंट आएगा, पहले क्या होता था कि मान्यता प्राप्त नहीं थी, तो जैसे कि हमारे दिग्गज खिलाड़ी जैसे ईशान किशन हो गए, मुकेश कुमार हो गए, आकाशदीप हो गए, बंगाल से खेल रहे हैं, बहुत सारे खिलाड़ी दूसरा दूसरा स्टेट से खेल रहे हैं। यहाँ पर बिहार से प्लेटफॉर्म मिल गया है तो हमारे बिहार से खिलाड़ी निकल कर अपना इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करेगा तो बहुत खुशी होगी जानकर। और जो भी दर्शक और ये कहना चाहते हैं कि अगर जितना हो सके, अगर आपको पॉसिबल है तो मैदान पर आकर मैच को सपोर्ट करिए बिहार को, अगल बगल के शहर के लोगों से, क्योंकि आपके इतना आसपास आया हुआ है, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। आज के बाद फिर इस सीरीज का मैच ऑर्गेनाइज यहाँ किया गया है, ऐसा कुछ जानकारी है? इससे पहले किया गया था जनवरी नहीं, अभी इस सेशन में जैसे आज कर्नाटक से हो रहा है, फिर हमको लगता है कि 6 तारीख 6 नवंबर या 7 नवंबर से बिहार का स्टेट के साथ है, जानकारी है कि जैसा कि आप बता रहे थे कि अगल बगल के शहर के लोगों के लिए, अगल बगल के जिले के प्रखंड के लोगों के लिए आप बता रहे थे कि आए, तो जैसा कि थोड़ा देर पहले आपने बताया कि आज लास्ट डे है, तो फिर कब आ सकते हैं वो मैच देखने के लिए? जनवरी के महीने में, 6 और 7 नवंबर को है छः सात को है जी, तो अगर 6-7 को है तो जितना भीड़ अभी नहीं दिख रहा है ना, पूरा जुट जाइए और बिहार को सपोर्ट करिए, इससे खिलाड़ियों को ये मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, मनोबल बढ़ता है, परफॉर्मेंस भी अच्छा निकल कर आएगा। क्या नाम बताया आपने? हिमांशु सिंह। तो ये थे हिमांशु सिंह पटना से, जो हमारे चैनल से जुड़े, अपना विचार रखा है, साथ ही इन्होंने बिहार के खिलाड़ियों को बहुत ही सराहना की है, और आज के लड़के जो बिहार में क्रिकेट में करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए भी इन्होंने अपना अनुभव शेयर किया है। और जैसा कि 6 या 7 नवंबर से फिर से इस ग्राउंड पर मध्य प्रदेश से होना है मैच, तो इन्होंने अपील की है अगल बगल के शहर के लोगों से कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और अपने चहेते इंटरनेशनल खिलाड़ियों को फिजिकली रूप से बिना किसी शुल्क के देख पाएंगे। बने रहिए हमारे चैनल।